अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामा हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुं तफसील। जम्मू कशीर मंज येती बीडीसी इंतखाब अमले मंज अन्नस हवाले इलेक्शन कमीशन तरफ तारीखन हुंद ऐलान करन आव। तत लेफ्टिनेंट गवर्नर सिंधिस मशीर के शर्मा सिंधिस सदारतस मंज आज आल पार्टी मीटिंग हुंद सांस करन आमुत, यत मंज सियासी जमातन हिंदो नुमाइंदो शिरकत कर। यल जन मीटिंग पत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांस करन आव, यत दौरान वन आव ज मीटिंग मंज मौजूद सियासी लीडरो तरफ च इंतजामिया तावन दिनुक यकीन दिन आमुत, इस जन आख खुशाइन कदम छो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, आज हम एक की मदद से एक सिस्टमेटिक वोटर्स की जो एजुकेशन करने की जरूरत है इलेक्शन के लिए, उसके लिए कुछ एक पब्लिसिटी कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं। आइडिया ये है कि वोटर्स जो है उसकी पूरी एजुकेशन होनी चाहिए कि वोट डालने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए और उनको वोट डालना है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत की इलेक्शन हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की, और हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं इलेक्शन अथॉरिटी, म्यूनसिपल अर्बन लोकल बॉडी की जो बाई इलेक्शन हैं उसके भी श्री सुदेश कुमार मेरे साइड में बैठे हुए हैं। तो ये कंपेन हमने बनाया है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज रहेंगी आने वाले दिनों में। न्यूज़पेपर्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम डिफरेंट चीज़ें रिलीज़ करते रहेंगे। रेडियो जो है और टेलीविज़न, उसमें छोटी छोटी स्निपेट्स हम इशू करेंगे। आज हमने स्टेट इलेक्शन ऑफिस में कुछ जिंगल्स तैयार किए हैं, वो जिंगल अब हम यहाँ प्ले भी करेंगे और आने वाले दिनों में और आने वाले सप्ताहों में जब ये कैंपेन एकदम आगे जैसे ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है और बढ़ेगा तो हर एक वोटर के पास में ये इंफॉर्मेशन जाएगी। आइडिया जैसा मैंने ये कहा है कि गवर्नमेंट मिलके सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और भी जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं वोटर्स की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, उनके साथ मिलके ये कैंपेन आगे बढ़ाया जाएगा। आउटकम क्या इसकी, वाई आर वी डूइंग इट, क्यों कर रहे हैं हम ये? आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 57 लाख वोटर्स हैं, 57 लाख वोटर्स, 57 लाख वोटर एक बहुत बड़ा नंबर है। ये वोटर गांव में हैं, रिमोट एरियाज में हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हर एक वोटर को हम पहुंचें और उसकी टर्नआउट जो है इलेक्शन में वो बढ़ाएं। पोलिंग डेज में टर्नआउट को बढ़ाना, उसको 100% तक ले जाना, मैक्सिमाइज करना, ये हमारा गोल है इस पब्लिसिटी कैंपेन का। और आज की जो छोटी सी इवेंट है ये भी इस चीज़ के लिए करी जा रही है। आजकल 360 डिग्री की बात करी जाती है। 360 का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ करने के लिए उसके जितने भी पहलू हैं वो सारे पहलू इन्वोक किए जाएं। तो ये हमारा कैंपेन भी जो है ये एक 360 प्रकार का होगा, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, कुछ होर्डिंग, इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रीट्स, ये सब हम जम्मू कश्मीर में करेंगे ताकि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की जन यपर जो मीटिंग में शमूलियत करने वाले उस सियासी लीडरों तरफ वन आमुत इंतजामिया तरफ इंतखाब अमले में अन्न ब्रो आल पार्टी मीटिंग सांस कर सही कदम तो सियासी जमातों तरफ च इंतजामिया ब्रो कन दरपेश मुश्किल तवना आम। हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को और सीईओ इनको मुबारकबाद दी है कि आपने इतने कम समय में पूरे जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन करवाने का जो काम है वो अच्छे से संपन्न करवा रहे हैं। इसमें डीमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है और इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे काम को निभाया है, इसके लिए हमने मुबारकबाद दी है। दूसरा जो है, जो मोदी जी का सपना है, भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि लोगों के हाथ में सत्ता को देना, इसलिए ये 3-4 टायर जो डेमोक्रेसी हमारी सेटअप हो रही है इसमें लोगों को सत्ता मिलने के अधिकार और लोगों की समस्याओं का समाधान लोगों द्वारा किया जाए, उस प्रक्रिया को करते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा और जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी सौभाग्य वाली बात है कि 3-4 टायर डेमोक्रेसी हमारी सेटअप हो रही है, जो लोगों के पास में पहले पावर नहीं थी, कुछ 2-5 फैमिलीज के पास पावर थी, आई वो लोगों के पास जा रही है। इलेक्शन होती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग पहले की जाती है और उनसे राय ली जाती है, लेकिन यहाँ सारे के सारे फैसले जो हैं वो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर थोपे जाते हैं। पहले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिसीजंस थोप दिए जाते हैं। और जो भी उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन
जो भी सुझाव देते हैं उनके ऊपर आज तक कभी भी अमल नहीं हुआ है। एक मौकरी बनाई हुई है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, अपोजिशन का खास तौर पर इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। और हमारी सिक्योरिटीज जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। इलेक्शन से पहले हमारे पास जो सिक्योरिटी थी वो भी विड्रॉ कर ली है। हिजबुल मुजाहिदीन का थ्रेट हम लोगों को आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन हमें थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा। रोजाना टेलीफोन करते हैं, धमकाते हैं, पब्लिकली धमका रहे हैं हमारे पार्टी के लोगों को, हमारे पार्टी के लीडर्स को, और उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स को 10-10 PSO इन्होंने दिए हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो फेफड़ा बना के रखा है यहां, इसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह हमने इलेक्शन कमीशन से साफ कन्वे किया है कि अगर आपको इलेक्शन करवानी है तो फेयर एंड फ्री होनी चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। यह कोई भारतीय जनता पार्टी के अगर कहने के ऊपर आपने चलना है और उनके दबाव में आपने बात करनी है तो यह सरासर गलत होगा। इसको पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। और जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, आज फॉर्म कहीं नहीं मिल रहा है भरने वाला, कल लास्ट डेट है, एफिडेविट की कॉपी नहीं मिल रही है, मैंडेट फॉर्म्स तक इनके पास नहीं है और कल इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है। एक मजाक बना रखा है इन्होंने इलेक्शंस का। इसलिए पैंथर्स पार्टी ने आज उस मीटिंग से वॉकआउट किया है और अपने प्रोटेस्ट का इजहार किया है। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे मैंने कहा, एक बराबर का मौका सब पॉलिटिकल पार्टीज को देना होगा। और जिस तरीके से आप बीजेपी के इशारों के ऊपर नाचने की कोशिश कर रहे हैं यहां कुछ लोग, यह सरासर गलत है। यह इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निशंस जल्द से जल्द लेना होगा, वरना बेमायने होगा यह सारा प्रोसेस। इलेक्शन के साथ किसी भी किस्म का मजाक एक्सेप्ट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए पैंथर्स पार्टी हरगिज तैयार नहीं है। इसलिए हमने आज विरोध किया है और प्रोटेस्ट किया है वहां अपना लॉन्च। देखिए, चुनाव आयोग ने पहली बार याद किया पॉलिटिकल पार्टीज को, जबकि काफी हद तक जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो चीजें हो चुकी है। डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, रोटेशन, क्रिएशन ऑफ सीट्स, अनइवन, अनइक्वल सीट्स, कहीं 10 लाख पॉपुलेशन वहां भी 14 सीटें और यहाँ पे 2 लाख वोटर वहाँ भी 14 सीटें। कोच हमने ये कहा कि अगर आपने पॉलिटिकल बेसिस पे और ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना था तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंसल्ट कर लेते, बुलाते, ऑल पार्टी मीटिंग पहले होती, उनको बताते तो हम क्या करने जा रहे हैं। अगर इतना बड़ा चुनाव हो सकता है तो असेंबली इलेक्शन भी करवा लेते और उसके लिए डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको जल्दी करके साइमल्टेनियस इलेक्शन होता, लोगों को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती और जो जिसको वो चुनते वो गवर्नमेंट होती। लेकिन आप वो इलेक्शन तो डिले कर रही है गवर्नमेंट और उसके लिए कोई पता नहीं। वो इलेक्शन कमीशन तो अभी ज़मीन पे जम्मू कश्मीर में उतरा नहीं, उसका भी प्रोसेस हमको बताइए, पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। जिस तरह ये किया ऐसा ही तो नहीं होगा अगला भी। और जिस तरह से यहाँ क्रिएशन कर दी, रोटेशन कर दी, रिजर्वेशन कर दी, कोई सिस्टम ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। सबसे बड़ा जरूर जो है सबने दिया कि हम हिस्सा भी ले रहे हैं, मिलिटेंसी भी ले रहे हैं, कोशिश करेंगे। पोलिटिकल पार्टीज आर द सोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो रूह है डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की। उनके बगैर कोई इलेक्शन, कोई डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक तरफा या वन साइडेड को प्रेशर काम चलते हैं, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज को बताया जाता है, बुलाया जाता है। इसलिए हमने जो सुझाव अब फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने के लिए चाहिए वो दिए हैं। और सबसे बड़ा मामला है कि सिक्योरिटी जो आस्पेक्ट है वो, उसको जो है हमने कहा कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमने इंडिपेंडेंट इसीलिए मांग की थी, जो हमने कानून बनाया था कांग्रेस एनसी ने कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगा। 73rd कदम बना लेकिन देर बना। और उनको ये नोटिस लेना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट्स जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं फियरलेसली, डर और घबराहट के बगैर हिस्सा लें, वो सुरक्षित रहें। इसके लिए आप इंतजाम जो है सरकार से मिल करके उनसे कहिए कि उसमें एक तरफा नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। और जो लोग वल्नरेबल हैं, जिनको ज़्यादा खतरा है, जिन एरियाज में ज़्यादा खतरा है, वो पैमाने के तहत उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले। ये आज कुछ पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया, कुछ पार्टी ने वॉकआउट भी किया और हमने इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, हमने अपनी बात जो है वो रखी है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी हमने लिख के ये भेजा था कि हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये इंतजाम करिए, आप देखते हैं कितना डिलीवर करते हैं। हमें पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन और इंस्टीट्यूशन पे कि डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको अपने इंडिपेंडेंटली अथॉरिटी पर वर्क करना चाहिए और हमें उम्मीद है करेंगे। जम्मू कश्मीर सरहदन पे पत्मे कई अकाल पशीदगी जारी पत्मो कैंसो दौ पे कलाल, सुंदरबनी तो कृष्णा घाटी सेक्टर में पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपज। तत रात पे कस्बा केरनी तो शाहपुर सेक्टर में पाक भारत फौजन दरमियान वक्फ वक्फ गोलबारी जारी। ये दौरान लगते हथियार सान बड़े हथियार इस्तेमाल अमले मन अन्न ताज़ा गोलबारी सहदी इलाकन में रोजन वाले लूकन
خوف دہشت وچھنے چیوان تچ سرحد نزدیک روزن والے لوکو طرف ون آمت یدو انتظامیہ طرف لوکن ہند جان مال حفاظت یقینی بناونے باپت بنکر تعمیر کرنے یقین دن آو تاہم چھ آج تام یم بنکر مکمل پہ تعمیر کرنا آمت یم کن گول باری دوران لوکن من جان مالس حوال خوف دہشت پید سپدان سیکنہ شاہ پردو بول رہے ہوں جڑی مارا اس علاقہ میں ڈیلی کی فائرنگ وے دو طرفوں اس میں اس پار اور اس پار غریب کو نقصان وے اس پر مارا انتظامیہ نے بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ غریب بلا مطلب کچھ لے جائے لگو وہ ات مارا ڈیلی کہاں سڑے مال مویشی مار جائے کوئی پاکستان کی طرفوں فیر آوے کوئی معاوضہ نہیں کچھ نہیں کہاں نہیں اس پر کنٹرول ہونا چاہیے فیرنگ پر غریب نہ ڈیلی نقصان وے کوئی گھر سے باہر نکلنے کا مشکل ہو رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کس وقت آگے کیا کیجویلٹی سامنے آ جائے کیا نقصان ہو جائے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس لیے ہر وقت خطرہ 24 گھنٹے خطرہ رہتا ہے ہماری سیفٹی نہیں ہے ہمیں بینکروں کے لیے بولا تھا بینکر بھی نہیں بنے لوگ پریشان حال ہیں لوگوں کو سچ پانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو اس لیے بہت پریشانی ہے پاکستان کی طرف سے گولہ باری ہوتی ہے جب گولہ باری ہوتی ہے تو بہت تباہی اور بربادی ہوتی ہے نہ انسانوں کی سیفٹی ہے نہ حیوانوں کی سیفٹی ہے نہ کھیتی باڑی کی سیفٹی ہے کسی چیز کی سیفٹی نہیں سب بربادی بربادی جموں کشمیر سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشنس میں کام کرن والوں ملازموں طرف سری نگر میں آج احجاجی مظاہرے کرنا آمت یت دوران احجاج میں شامل ملازم تنخواہ واگزار کرنے کی مانگ کران احجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت یدوے انتظامیہ طرف تین مسئلہ ازران یقین قیائی پھر دن آو تاہم چھ آج تام کان قدم تلنا آمت یم کن ملازم احجاج کرنس پہ مجبور سپد یل زن احجاجی ملازموں طرف مسئلہ ازران مانگ کرنا آئی ابھی 3 مہینے کی تنخواہ پینڈنگ ہے سیونتھ پے کمیشن امپلیمنٹ نہیں ہے جو ہمارے ڈرائیورز یہاں پہ کنسولیڈیٹڈ ویجز پہ کام کر رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے ان کو 8 سال بعد ریگولر ہونا تھا وہ بھی ریگولرائز نہیں ہو رہے ہیں وہ 6000 کی تنخواہ پہ کیسے اپنے گھر چلائیں گے اسی طرح سے ہمارے جو ملازمی ریٹائر ہو گئے یہاں سے جنہوں نے اپنی جوانیاں اس کارپوریشن کو دی ہے لوگوں کی خدمت کے لیے وہ 1.5 سال سے ریٹائر ہو گئے ان کو ایک پیسہ نہیں ملا ہے یہاں سے اسی طرح سے SRO 43 جن لوگوں نے اپنی جانیں دی ہے RTC میں اپنا کام کرتے ہوئے ان کے بچے بے روزگار بیٹھے ہیں وہ SRO 43 لاگو نہیں ہو رہا ہے تو یہ سارے مسائل ہیں ہم نے پچھلی بار بھی سرکار سے گزارش کی تھی ایڈوائزر صاحب سے گزارش کی تھی گورنر صاحب سے گزارش کی تھی کہ SRTC کے مسائل کا ایک ٹائم حل دے دو ہمیں اگر اس کارپوریشن کو آپ کو چلانا ہے تو ہمارے خرچے اٹھاؤ نہیں چلانا ہے تو ہمیں پیسے دے دو بند کر دو آنگن واڑی ورکرس اینڈ ہیلپرس ایسوسیشن طرف آج بڑگمس من احجاجی مظاہرے کرنا آمت یت دوران احجاج میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران احجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت یدوے انتظامیہ طرف تین مسئلہ ازران سوال کئی پھر یقین دہانی کرنا آئی تاہم چھ آج تام کان قدم تلنا آمت یم کن ملازم مشکل من ہن آئی احجاجی ملازموں طرف انتظامیہ مسئلہ ازران مانگ کرنا آمت پچھلے 1 مہینے سے ہمارا پروٹیسٹ جاری ہے وجہ یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ سے گورنر انتظامیہ سے التجا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا منتھلی بیسس پر آنریری واگزار ہونا چاہیے اور جو پچھلا ہماری لائبلٹی ہے 2019 کی 2 مہینے ہیں کہیں پر 3 مہینے ہیں وہ واگزار ہونا چاہیے 2018 کا بھی ویجز پینڈنگ ہے وہ ملنا چاہیے نہیں تو ہمارا یہ پروٹیسٹ آگے چل کر سارے کشمیر میں سڑکوں پر آ کے لڑکیاں چکا جام کریں گے اس کے ذمہ دار گورنر انتظامیہ ہو وادی مز یت دہمی جماعت سن سالانہ امتحان شروع سپد تتان امتحان مز طالب علموں طرف بڑت بولت حصہ نیوان شہر سری نگر مز قائم امتحانی مرکزن پہ یت انتظامیہ طرف ون آو کورونا وائرس تو وند کال نظر تل تھوت معقول انتظام کرنا آمت یت زن طالب علمن مشکل ویترن پین تت طالب علموں طرف تطمینان اظہار کرنا آمت
आज का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे कि हम सबको पता है कि ये पैंडमिक सिचुएशन में एग्ज़ाम करना, ऑल दो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट स्टिल वी आर होपफुल वी कैन कंडक्ट इट, होपफुली इट इज़ बेटर सिचुएशन नाउ। तो यहाँ बच्चों के सिलसिले में जितना भी ये जो एग्ज़ाम है, और इस वक्त ये पढ़ाई भी चूँकि बहुत कम हो गई, एंड दैट टू ऑन ऑनलाइन मोड एंड 2G मोड, इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग। तो स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से बच्चे कंफर्टेबल फील करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, सेंटर में बैठें। सेंटर के अरेंजमेंट्स हमने ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड देम हीटिंग लाइटिंग अरेंजमेंट, बहुत कोशिश की हमने उसके लिए। तो जितना हमसे हो सका वी आर होपफुल कि हम अच्छे से इसको वी हैव फॉलोड ऑल द SOPs जो आप देख सकते हैं, आप उनके मास्क वी हैव प्रोवाइडेड देम, वी हैव प्रोवाइडेड देम सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ऑल द SOPs। यपर सूबई कमिश्नर कश्मीर इम्तहान हवाले कत कान वोमुत जदवे मौजूद सूरत हाल सलब इलम पढ़ाई मुतासर सपज, ताहम बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन तरफ रियायत दिन आम जन तमो वोन जमतानी मरकजन पे मकूल इंतजाम त कर आम। इस साल स्कूल्स नहीं हुए हैं तकरीबन अप्रैल से, उससे चलते बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का, उसको 70% कर दिया है, और हर एक एग्ज़ाम सेंटर पर भी देखा गया है कि कोविड का प्रोटोकॉल कैसे मेंटेन हो, दूरी मेंटेन हो, मास्क और सैनिटाइजेशन का भी प्रयोग किया जाए। महकमा मौसमियात तरफ ये वादी हंदिस मौसम में तब्दीली इन पेशन गोई कर आम सूबई कमिश्नर कश्मीर वंदकाल सवाल कत कान वोमुत इंतजामिया तरफ मौसमी सूरत हाल मुकाबले कर बापत मुकम्मल तैयारी कर आम जन लूकन वंदकालस दौरान मुश्किल वेतरिन पेन। दो दिन का जो वेदर का फोरकास्ट आया है 14 और 15 के लिए, 13 से कहते हैं कि खराब हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली प्रिपेयर्ड है। थोड़ा एक अच्छी चीज़ ये भी हो गई कि नॉर्मली नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक पत्ते गिर जाते हैं, गिरने लगे हैं, स्नो अगर हो जाता है तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना पिछले साल नवंबर के फर्स्ट वीक में स्नो आने से हुआ था। रोड और बाकी चीज़ों की जो है हमने ये की है, अरेंजमेंट की है। शुरू कलगमस मज ये रात महमूदा नाव जन मुकामी नौजवान सद कतल कर आई तत पुलिस तरफ आज कलगमस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्ज कर आमुत ये दौरान वन आव वाक पेश इन सी पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकत शुरू कर आमुत ये दौरान शाकिर मंजूर नाव मुकामी नौजवान गिरफ्तार कर आव जन पुलिस तरफ वन आव मजीद तहकीकत जारी जन असल हक ब्रो कन य। अराउंड हमें एक इतला मिली थी कि विलेज शुरत में एक लेडी के ऊपर असल्ट हुआ है, ये इतला हमें मुतबर जराए से मिली थी, और ये भी पता चला था कि लेडी जो है इसके ऊपर असल्ट हुआ है, इसको रेफर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम किया गया है। सो एट द टाइम आई अलॉन्ग विथ माई SHO रशेड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम, जहाँ पर हमें पता चला कि लेडी जो है ऑलरेडी ब्रॉड डेड लाइन पे है। इन दिस रिगार्ड हमने केस FIR रजिस्टर किया है जो अंडर सेक्शन 302 FIR नंबर 203/2020 रजिस्टर हुआ है, और इमिजिएटली हमने इसमें जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी थी वो बामल आई, और FIR रजिस्टर करने के बाद हम सपोर्ट पे गए जहां पे सीन ऑफ क्राइम हुआ था। सीन ऑफ क्राइम पे हमने वेपन ऑफ ऑफेंस को रिकवर किया जो एक आयरन रॉड है, तो उसको FSL जांच के लिए भी हम अभी भेज रहे हैं। तो उसके बाद जो एक्यूज़िड था हमने उसकी तलाश शुरू की, और एक्यूज़िड को भी हमने अरेस्ट किया है। जो एक्यूज़िड है उसका नाम है शाकिर एलाइस इशफाक शाकिर मंजूर बोरू सनाफ मंजूर अहमद बोरू आरू शुरत, और जिस लेडी के ऊपर उसने असल्ट किया है उसका नाम है महमूदा वाइफ ऑफ मुजफ्फर अहमद नजर आरू शुरत। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स आ जाएंगे दैट विल बी शेयर्ड विद यू पीपल फ्रॉम टाइम। वादी मज ये सूफीज़म ब्रो पकनान सवाल कई तंजीमों तरफ कोशिश करने ची वान तच कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल तंजीम तरफ श्रीनगर में सूफी कॉन्फ्रेंस सन्ज कर आमुत ये सूबई कमिश्नर कश्मीर तो जिला तरक्याती कमिश्नर
سرنگرس علاوہ تنظیم ہندو ذمہ دارو دانشورو تو صوفی عزم ست وابستہ لوکو شرکت کر منظور احمد شاہ صاحب جن کی تصنیف ہے سال سلطان, چاہے وہ لٹریچر ہے میوزک ہے, اس میں بھی کافی لوگ کام کرتے ہیں جن کو ہم نے سراہنے کی ضرورت ہے, ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ اپیکشا نہیں کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یا ایڈمنسٹریشن نے ان کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ان کی اپیکشا کچھ نہیں ہے. کیونکہ ایک لٹریری پرسن جو ہے جسٹ اپنے لکھنے میں مشغول رہتا ہے, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈے, ان کو مدد کرے, ان کی جو کام کر رہے ہیں چاہے میوزک ہے, آرٹ ہے, لٹریچر ہے, کسی بھی فارم میں ہے, اس کو توجہ دے اور اس کو جو ہے سماج کے سامنے لائے, خصوصاً طور پر ان لوگوں کے سامنے لائے جو ہماری ینگ جنریشنز ہیں. کشمیر کی ینگ جنریشن کو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہیں جو ہے یہیں کے لوگ کتنے اچھا لٹریچرز لکھتے ہیں, کتنا اچھا میوزکس اور باقی چیزیں کرتے ہیں. 111 کتابیں ایک ہی وقت میں پیش کرنا پچھلے 47 سال میں یا 70 سال میں پہلا مقام ہے. تو اس میں میرے خیال میں جو آج کی یہ بات ایک میسیج ورلڈ کو گئی کہ کشمیر کی شناخت کوئی مٹا نہیں سکتا, کشمیر کی شناخت ہماری صوفیت ہے, کشمیر کی شناخت ہمارا اعتقاد ہے, کشمیر میں اٹ از اے ابوڈ آف نالج. آج پرو ہو گیا, جیسے ہم نے سب سے پہلے ہسٹری لکھی, آج پرو ہو گیا کہ ساری دنیا تلاش کرتے کرتے, نالج تلاش کرتے کرتے کشمیر پہنچا کرتے تھے. آج آپ نے دیکھ لیا چاروں طرف کشمیر کشمیر کشمیر, لیکن کشمیر ہے کیا؟ کشمیر جو آج جو ہم نے پیش کیا یہ اصلی کشمیر ہے. اس کو مارا گیا تھا, اس کو ٹکڈو میں بانٹا گیا تھا, 72 قسم کا لٹریچر آیا جو لٹریچر نفرت سے بھرپور تھا. یہاں ایک ہی لٹریچر چلے گا, وہ لٹریچر ہے پیار کا, اعتقاد کا, صوفیت کا. وادی کشیر مز یت وند کالس دوران بجلی ہز یت گچھے کن عام لوکن سٹھا مشکل ویترن چ پیوان, تت چ وادی مز محکمہ بجلی طرف غیر قانونی طور بجلی استعمال کرنس حوالہ مہم شروع کرنا آمت, تو شمالی کشیر ہندس گلمرگ حلقہ کن کئیان علاقن مز تہ محکمہ طرف خصوصی مہم دوران بجلی پیٹ استعمال سپدن ول کیا آلات ضبط کرنا آمت, یل زن محکمہ کیو ذمہ دارو طرف ون آو مہم روز جاری یت زن بجلی ہز لوڈ شیڈنگ پیٹ قابو پراؤن یی. تو اس میں ہمیں جو بھی کنزیومر الیگل لوڈ یا ڈبل لائن یا میٹر بائی پاس میں ملتا ہے اس کو ہم مطلب ایز پر دا نارمل جو اس کا فائن بنتا ہے وہ ہم اس کو ڈال رہے ہیں. جہاں جس کنزیومر کو پانی گے اس کو ہم بالکل پانی کے بغیر نہیں چھوڑیں گے, اور اگر کہیں جگہ ہمیں یہ لگا کہ ہمارا امپلائی انوالو ہے تو ایز پر رول جو بھی ایکشن ہوگی ایز وارنٹیڈ انڈر رول ہم اس کے خلاف کریں گے, اس کو کوئی ریلیکسیشن نہیں ملے گی. نمبر ایک. نمبر دو, ہمارا یہی مقصد ہے کہ جو کنٹینمنٹ کا پیریڈ ہے جو ونٹر میں بہت سختی ہوتی ہے ادھر, تو جتنے ہمیں انسپیکشن ہو جائیں گے ہمارا لوڈ کم ہو جائے گا, تو ہم چاہتے ہیں کہ کنٹینمنٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہو جائے, لوگوں کو اچھا پاور ملے لاسٹ ایئر سے. بدروہی کے لوگوں طرف سے شکایت باوان ون آمت یدوئے مقامی سڑکی ہز خستہ حالی حوالہ کیا ہے پھر حکامن ہند زون قصبس کن پھرنا آو, تاہم چھ آج تام کھان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان, تو مقامی لوکو طرف سے انتظامیہ مانگ کرنا آمت شہر سڑکی ہز شہر پر حوالہ گھن قدم تلنے یین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پیت. جی صاحب, اسی روڈ سے چلتے ہیں لیکن کبھی بھی اس روڈ کی پرواہ نہیں کی, اور آپ نے دیکھا کہ گاڑیوں کی حالت بھی کیا ہو رہی ہے اور لوگوں کے آنے مطلب چلنے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. آئے دن ہم ان سے روز کہتے ہیں کہ بھائی ان کی ذرا اس کو بلیک ٹاپ کرائیں تاکہ لوگوں میں جو یہ اتنی اس وقت افراتفری ہے اس بارے میں تو یہ کم ہو جائے اور لوگ آسانی سے چل پھر سکیں, لیکن یہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کل سڑک پہ آ جائیں, لہذا کر کے ہم چاہتے ہیں. پہلے بھی کئی بار ہم نے آر این بی ڈپارٹمنٹ سے ہم نے اپیل کی تھی, ریکویسٹ کی تھی کہ ان کھڈوں کو جلدی سے جلدی بھرا جائے اور ان کے اوپر جو ہے بلیک ٹاپنگ کی جائے تاکہ آنے جانے کا جو سفر ہے لوگوں کا, گاڑیوں کو بہترین طریقے سے ہو سکے, تاکہ کسی بھی طریقے سے ایکسیڈنٹ کی ضرورت ہونے کی آوشکتا نہ ہو.
तो इस बार फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, आरएनबी डिपार्टमेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन खड्डों को भरा जाए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए और बाद में फिर हमें नहीं बताने की ये क्या। तो नाज़रीन, इस वक्त कशिर खबरनामा, दीव इजाजत, खुदा सवाल।